लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू गैराज रिव्यूज। आज हमारे पास है द ब्रांड न्यू 2024 ह्युंडई क्रेटा, एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूँ इसके म्यूजिक सिस्टम का एक प्रॉपर रिव्यू एंड साउंड टेस्ट। इसके अंदर आपको मिलता है 8 स्पीकर सिस्टम बोस का, एंड उनकी स्पीकर का जो प्लेसमेंट है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। चार आपको मेन स्पीकर मिलते हैं चार दरवाजों पर, जैसे कि आप देख सकते हैं बोस की आपको ब्रांडिंग भी मिलती है, एक स्पीकर यहाँ पर, एक उस दरवाजे पर, सिमिलरली द सेम इन द रियर एज वेल ओवर हेयर दोनों दरवाजों पर। देन हमारे पास एक सेंट्रल स्पीकर आता है जो आपको यहाँ डैश पे दिया गया है, तो ये हो गए टोटल 5 ट्विटर्स आपको मिलते हैं, दो, एक ट्विटर यहाँ पर, एक ट्विटर ऑन द अदर साइड, तो ये हो गए हैं टोटल 7 स्पीकर्स। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो 8 स्पीकर है वो हमारे पास इस कार के ट्रंक में आ जाता है, जो कि यहाँ पर ये एक सब वूफर है। तो दीज आर द 8 स्पीकर्स जो आपको क्रेटा में मिलते हैं। अगेन, इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है, लेट्स चेक दैट आउट। अब सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा इसको यूज़ करना कितना इजी है, क्योंकि ये जो इंफोटेनमेंट डिस्प्ले है ये वही है यूजुअली जो आपको नॉर्मल सारी ह्युंडई कार्स में आजकल देखने को मिलता है। मैं कोई भी वीडियो एडिट नहीं करूंगा, कोई कट नहीं करूंगा, वील सी हाउ फास्ट एंड ईजी इट इज़ टू कनेक्ट आर फोन्स। सो सबसे पहले मैं जाऊँगा यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर मैं जाऊँगा डिवाइस कनेक्शन एंड यहाँ पर आई कैन डू एड न्यू। अब मैं अपने फोन में एंड सो नाउ एज यू कैन सी माई फोन इज कनेक्टेड। सो ऑलमोस्ट अराउंड 30-35 सेकेंड्स लगे मुझे ये कनेक्ट करने में। अगेन, वीडियो बिल्कुल भी एडिटेड कुछ फास्ट मैंने नहीं किया है, जो ओरिजिनल टाइम मुझे लगा कनेक्ट करने में वही मैंने आपको दिखाया। बट नाउ दैट माई फोन इज कनेक्टेड आई विल प्ले सम म्यूजिक एंड लेट्स चेक द साउंड क्वालिटी। सो दिस इज द म्यूजिक वी आर प्लेइंग। मैं वॉल्यूम जो है अभी रखूंगा इसको 20 पर, एंड दिस इज बिल्कुल नॉर्मल सेटिंग्स। अगर मैं आपको साउंड सेटिंग्स में अगर जाकर दिखाऊं, तो एज यू कैन सी मैं ये सब कुछ सेंटर में कर दूंगा, इट इज कम्प्लीटली नॉर्मल स्टॉक म्यूजिक सिस्टम। अब लेट्स प्ले द म्यूजिक। अभी इनिशियल इंप्रेशंस जो मेरे इस म्यूजिक सिस्टम को लेकर हैं, दोज आर एक्चुअली वेरी नाइस। अब एक चीज जो ह्युंडई के गाड़ियों के बारे में मुझे एक्चुअली अच्छी लगती है, मेरे पास भी ह्युंडई i20 है, हालांकि मेरे पास i20 का बिल्कुल बेस वेरिएंट है, उसमें बोस का साउंड सिस्टम नहीं है, बट स्टिल द साउंड सिस्टम इन माई कार जेन्युइनली मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत लोग बोलते हैं और बहुत लोगों का पहला मॉडिफिकेशन इन देयर कार्स इज अपने साउंड क्वालिटी को, साउंड सिस्टम को इम्प्रूव करना, बट मुझे पर्सनली आज तक कभी नहीं लगा कि मुझे अपने साउंड सिस्टम को अपग्रेड करने की जरूरत है, इवन इन माई i20। अब ये तो बोस म्यूजिक सिस्टम आपको इस कार में मिलता है, उसमें तो आई हैव जेन्युइनली नो इश्यूज। इट्स अ वेरी क्रिस्टल क्लियर, वेरी क्रिस्प साउंड सिस्टम, बेस भी बहुत अच्छा है। अभी मैंने आपके वीडियो में भी आपने देखा, मैंने बेस को बिल्कुल फुल नहीं किया था। बहुत लोग जो बेस हैवी म्यूजिक सुनते हैं उनके लिए और भी यहाँ पे बेस अवेलेबल है, वेरी नाइस, वेरी थम्पी, वेरी क्लियर एज वेल। जो वोकल्स हैं वो बहुत अच्छे से मेरे को सुनाई दे रहे हैं गाड़ी में, नो इश्यूज एट ऑल। बट अभी हमने जो गाड़ी है वो हमने बिल्कुल एक्सेसरी पावर पर रखी है, यानी कि इंजन जो है वो बंद है। हालांकि इंजन फिर भी बहुत साइलेंट होता है, लेकिन अब गाड़ी को एक बार स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इंजन नॉइज से कोई फर्क पड़ता है या नहीं। सो अब हमने कर लिया है गाड़ी को स्टार्ट। As expected, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता गाड़ी के इंजन को स्टार्ट या बंद करने से। इट्स अ वेरी रिफाइंड इंजन, वेरी साइलेंट इंजन। हालांकि अभी भी बिल्कुल म्यूजिक वगैरह सब बंद है, सिर्फ मेरी आवाज है।
तो आप सुन सकते हैं जेन्युइनली देर इज नो साउंड. मतलब अगर मैं बिल्कुल शांत भी बैठा रहूंगा तो आपको इंजन की कोई आवाज गाड़ी के अंदर नहीं आने वाली है, विच इज समथिंग आई लाइक. बट एक चीज जरूर है, इस गाड़ी के अंदर जो साउंड सिस्टम है वो आपको दो ट्विटर्स और दो स्पीकर्स आगे मिलते हैं, पीछे की सिर्फ आपको सिर्फ दो मेन स्पीकर्स मिलते हैं, कोई ट्विटर्स नहीं है. इनफैक्ट आगे तो आपको एक यहाँ पे मेन सेंटर स्पीकर भी मिलता है जो कि पीछे अवेलेबल नहीं है. तो इसकी वजह से आगे और पीछे में कोई डिफरेंस है या नहीं, अब वो चेक करते हैं. चलते हैं इस कार की बैक सीट्स में एंड लेट्स सी इफ देयर इज एनी डिफरेंस. एंड सो नाउ इन द रियर सीट, टर्निंग द म्यूजिक ऑन. तो नाउ रियर के अंदर एंड फ्रंट के अंदर कोई बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है, बट एक चीज जो मैंने जरूर नोटिस करी वो मैं आपको बताता हूँ. सिंस इस कार का सबवूफर जो है वो पीछे दिया गया है एंड बिल्कुल सीट्स के साथ ही है, तो आपको वो जो जब बेस आती है इस कार के अंदर आपकी सीट्स में आपको वो फील होती है, विच इज़ अ वेरी गुड सेंसेशन. मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली. जिन लोगों को बेस नहीं पसंद, अभी वैसे ही मैंने बिल्कुल बेस 100% किया हुआ है, तो आप कम भी कर सकते हैं, उससे वो सेंसेशन कम हो जाएगी एंड इट विल हेल्प यू आउट. बट अदर देन दैट एक चीज मैं जरूर बोलूंगा, क्योंकि आगे आपको स्पीकर्स, नंबर ऑफ स्पीकर्स बहुत ज्यादा दिए गए हैं, आपको आवाज जेन्युइनली पीछे बैठे हुए फील होती है कि आवाज आगे से आ रही है. इसका एक बहुत सिंपल सा फिक्स है, वैसे अगर मैं हल्की सी आवाज को पीछे की तरफ यहाँ कर दूंगा यहाँ पर, तो मैंने ये अपनी i20 में भी नोटिस किया है, क्योंकि मेरी i20 में भी दो ट्विटर्स एंड दो मेन स्पीकर्स आ गए हैं एंड पीछे सिर्फ दो स्पीकर्स दिए हुए हैं. तो ये चीज़ मैंने अपनी i20 में भी नोटिस किया है, जब मैं हल्की सी पोजीशन को पीछे कर देता हूँ देन इट इज ऑल द सेम. सो लेट्स चेक दैट आउट इन दिस कार एज वेल. And absolutely that is the case in this car as well. हल्की सी पोजीशन को पीछे करने से आपका वो जो प्रॉब्लम है पर्सनली रियल लाइफ में मुझे जो लगता है वो खत्म हो जाता है. अगेन कैमरा में वो चीज़ बतानी बहुत मुश्किल है, आपको रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करना पड़ेगा. हेडफोन से थोड़ा हेल्प हो जाता है, बट अगेन रियल लाइफ में एक्सपीरियंस में आपको समझ आएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ. कैमरा में मैं जितना आपको बता सकता हूँ वर्बली आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट. And so that right there was the music system Bose 8 speaker system review of the new Hyundai Creta. आपको ये music system कैसा लगा मुझे comments में जरूर बताएं. अगर पसंद आए तो like जरूर करें. Share this video as much as you can और इस channel को subscribe करना बिल्कुल ना भूलें. Again a very special thanks to Joshi Hyundai Chandigarh जिन्होंने मुझे again थोड़ा सा time दिया इस गाड़ी के साथ shoot करने के लिए. But that's all for this video guys. मैं आपसे मिलूंगा अगले video में.